मुरादाबाद उधार के पैसे वापस दिलाने को लेकर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा प्रार्थना पत्र। बता दें कि पीड़ित निवासी नया गांव यासीन ने एक युवक इशाद हुसैन निवासी ग्राम भोला सिंह की मिलक पर आरोप लगाते हुए बताया कि पीड़ित यासीन ने इशाद को करीब 1,00,000 रुपए 3 माह के लिए उधार दिए थे और 50 का स्टैम्प पर लिखित पत्र भी सुरक्षित कर लिया था। लेकिन जब पीड़ित यासीन ने इशाद से अपने उधार के 1,00,000 रुपए 3 माह पूरे होने पर मांगे तो उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि पैसे देने के बजाय उल्टा मुझे धमकी दे रहा है। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत SSP मुरादाबाद से की और एक प्रार्थना पत्र अपने पैसे वापस दिलाने के संबंध में भी दिया है। मामला पैसों का हमारा मिलने वाला है, हमारा करीब उसको 1,00,000 रुपए दे रखे हैं मैंने, उनने क्या लोन करा के मकान पर दे दूंगा, वापस कर दूंगा। 1 साल से ज्यादा हो गया मैं मांगने जाता हूँ, गंदी गंदी गालियां देता और जान से मारने की धमकी देता है वो मुझे। इस संबंध में किसी से शिकायत की थी? इस संबंध में मैंने पुलिस की हड़ताल को भी मैंने तहरीर दी थी, कुछ नहीं हुआ तो अब मैं कप्तान साहब के पास आया हूँ, अपनी तहरीर यहाँ पर दी है मैंने। क्या आश्वासन दिया गया कप्तान साहब द्वारा? उन्होंने लेकर रख ली है, वो कह रहे हैं ठीक है जो भी कार्रवाई होगी। क्या चाहते हो? मैं इंसाफ चाहता हूँ, मेरा पैसा वापस मिल जाए कृपया कानून के जरिए। किसको दिया था पैसा, क्या नाम है? इरशाद हुसैन को। कहाँ रहते हैं ये? हड़ताल से आ गए भोला सिंह की मिलक है मंडईयो, वहाँ का रहने वाला बंजारा है। इससे पैसे मांगता हूँ तो जान से मारने की धमकी देता है।